सरकारां वल्लों सेहत सहूलतां नूं लै के वड्डे वड्डे दावे कीते जा रहे ने, पर असल हकीकत की है इसका पता हस्पतालां अंदर जा के ही लगता है। सरकारी हस्पतालां दीआं बिल्डिंगां भावें वड्डियां वड्डियां उसार दित्तियां गईआं हन, पर इन्हां अंदर डाक्टरां दवाईआं समेत होर सहूलतां वल कदे ध्यान नहीं दित्ता जांदा। सरहदी जिला फिरोजपुर का सिविल हस्पताल सरकारां दे झूठे दावेआं दी कहानी बयान कर रहा है। पेश एक रिपोर्ट। फिरोजपुर का सिविल हस्पताल सेहत सहूलतों नूं लैके लगातार सुर्खियां विच है। हस्पताल के अंदर अते बाहर गंदगी दी भरमार है। हस्पताल अंदर मजबूरी वस इलाज करवाउण आउंदे लोकां नूं वड्डियां परेशानियां का सामना करना पैंदा है। लोकां ने हस्पताल की हालत लई पिछलियां सरकारां नूं कोसदिआं नवीं सरकार तों कुछ चंगा होण दी उम्मीद प्रगटाई है। हस्पताल विच आए लोकां अते सिविल सर्जन का की कहना, आओ सुन लैंदे हां। सर इतने हालात देखे आ गलों सोनू तो हालात बड़े सोहने चंडीगढ़ के हॉस्पिटल वर्गे बना छे थे, पर जो इतने आएगा तो हालात कुछ होर ही दीदे ने। इतने आए तो देखो पब्लिक को लंघना किन्ना औखा हो पाया वा। यदि चंडीगढ़ के बराबर मुकाबला करते पे थे हॉस्पिटल का, आज सामने आ देख लो कि पानी खड़ावे ना, एक साफ पानी हों भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, स्मैल आ रही है, बदबू आ रही है, जिद करके लोगों का इतने खड़ना भी मुश्किल होया पाया है। फिर उपर कुछ बाथरूम ने बच्चे विभाग से जोड़े ब्लॉक होए पे ने, बिल्कुल टुटे पे ने, किसी तरह की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। गलों च कागजा च कार्रवाई बहुत हुई वा, पर असलीयत किसी तो लुकती नहीं होंगी, जी अखा के सामने होे सामने आई। तो यही उम्मीद करते हैं, चलो पुराने ने जो गल्ला कागजा भरिया भरे आ, नवी सरकार तो उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सही करूगी। ये बीमारियां देखो जी, सिविल हॉस्पिटल इतने तो लोग सही होने आते हैं, तो तुहाडे सामने सीवरेज का पानी इन्नी बदबू मार रहा है कि इतने खड़न भी नहीं जी कर रहा, और जो बाबे लंगर लैके आते हैं और सानू मजबूरी खतर खाना पैंदा है। हाँ जी, लंगर भी इतने ही आता जी, नाल ही गड्डी खड़ी जी, पीने वाला पानी भी बिल्कुल नज़दीक है जी, उत्थे बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। तो कृपा करके सिविल सर्जन बेनती की जाने कि इन्हों का कोई ना कोई मसला हल किया जाए, नहीं तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। देखा जाए सरकार को सूझना है, देखो गंद वजा पे हॉस्पिटल च, तो जोड़े मरीज आते हैं वो खड़े खड़े रह जाते हैं लाइना बच्चे, कोई उन्होंने कोई डॉक्टर साहब कोई पुछ नहीं दस करते। नवी सरकार जी उन्होंने जो आएगा तो उन्होंने ये अपील है भी ये जो हॉस्पिटल सुधार होना चाहिए। देखो इदा है कि ये जो सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर का सीवरेज हैगा बहुत पुराना हैगा, बहुत पुराना हैगा, और उस वेले दा मटीरियल की यूज़ हुंदा सी सानू भी पूरा पता नहीं हैगा। हुण थां थां ते ना सीवरेज बैठ गया हैगा, अंदर ही जिहड़ी पाइपां ने ओह बैठ गईआं ने। जिहड़ी एक कमेटी विच जिहड़ी सीवरेज साफ करन वाली मशीन आंदी है, मशीन वड्डी है, पाइपां छोटियां ने, वह मशीन अंदर ही नहीं जांदी। असी मैनुअली जिन्ना खोल सकने असी खोलने आ, पर फिर भी जिथे जिथे पाइप बैठ गई है वह सीवरेज नहीं खुलदा है। सीवरेज बदली होने वाला है, असी बार बार अपने महकमे नूं, पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन नूं, सीवरेज बोर्ड नूं, डीसी नूं, सब नूं लिख चुके हैं कि सीवरेज बदली किया जाए। जिहड़ी रेनोवेशन चल रही है उहदे विच स्कोप ऑफ वर्क विच भी असी लिख के भेजिया सी कि पूरे सिविल हॉस्पिटल का सीवरेज नवां पाया जाए। यह हालत इकल्ले फिरोजपुर के हस्पताल की नहीं है, सूबे के बाकी हस्पतालों की हालत भी इस नाल मिलती जुलती है। नवी चुनी सरकार ने पंजाब अंदर मोहल्ला क्लीनिक खोल के लोगों नूं सेहत सहूलतां देने का वादा किया है। लोगों नूं भी सरकार तो वड्डियां उम्मीदां हन। पंजाब विच विद्या अते सेहत सहूलतां विच वड्डे सुधार की लोड़ है। नवी चुनी सरकार लोगों दीआं उम्मीदां ते किन्ना खरा उतरदी है इसका पता आने वाले दिनों दौरान ही चल सकेगा। फिरोजपुर तो पत्रकार सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।